चक्के देखो, टेस्ट करो, टेस्ट करो। ये विकार मार्ग नहीं है कि पहले टेस्ट किया जाए, ये अविकार मार्ग है। इस अविकार मार्ग में टेस्ट नहीं, इस अविकार मार्ग में तो अनुकूलता देखी जाती है। ये तो अनुकूलता देख करके भोजन को ग्रहण किया जाता है। इस अविकार मार्ग में जिब्बा का स्वाद लेकर के भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए दोनों मार्गों को इतनी अच्छी तरह से समझना, भोजन विकार भाव से हो रहा है कि भोजन अविकार भाव से हो रहा है, वक्तामर विकार भावों से हो रहा है। विकार भाव से करोगे तो वह अनुष्ठान विकार जाएगा, और अविकार भावों से करोगे तो वह स्त्रोत, वह अनुष्ठान तुम्हें पार कर देगा, तुम्हें तार देगा। अनुष्ठान तो अनुष्ठान है, इसलिए दोनों मार्ग देखो। देखो मैंने जिससे कहा, मैंने जिससे कहा जिसको कहा, जिससे कहा जिसको कहा वही विकारी था, उसने सुना नहीं, वही भी विकारी था। कहने वाला विकार है, सुनने वाला विकार भाव हो सकता है। जमुना प्रसाद जी आगे कि रे हम अविकार भावों से आए हैं, ही प्रभु मेरे विकारों को हर लीजिए और मुझे अविकार मार्ग में प्रवेश कराइए। इसलिए कहा किसने, किससे कहा? आदिनाथ ने कहा, मरुदेवी ने सुना, मरुदेवी ने कहा, नंदन ने सुना। बताइए कोई किसी को सुना सकता नहीं, कोई किसी को कुछ कह सकता नहीं। कहने की सामर्थ्य इस अविकारी आत्मा में है, सुनने की सामर्थ्य इस अविकारी आत्मा में है। अंदर के भावों को देखो, जैसे भाव होंगे वैसे वचन होंगे, जैसे वचन होंगे व्यवहार नए में, वैसे निश्चय नए में तुम्हारी भाव होंगे। आप भावों को बनाओ, भाव बदल जाएगा। आप विचार बदलो, चिंतन बदल जाएगा। लोग कहते हैं चिंता छोड़ो, चिंता छूट जाएगी। आप भाव तो बनाओ, विचार तो करो, मुझे अविकार मार्ग में प्रवेश करना है, मुझे प्रवेश करना है, मुझे प्रवेश करना है। प्रवेश तो होकर के रहेगा, जब तक कहोगे नहीं मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी, तब तक भोजन का आदर नहीं होगा। भोजन का आदर भूख लगने पर होता है, पानी का आदर प्यास लगने पर होता है। उसी तरह जब तक भक्तामर स्त्रोत की सुनने की भूख नहीं लगी,
जब तक प्यास नहीं लगी तब तक ये भक्तामर स्त्रोत व्यर्थ है। प्यास अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। वह विकार मार्ग आपको ठेले पर मिल सकता है, मार्केट में मिल सकता है, मॉल में मिल सकता है, शहर शहर में मिल सकता है, लेकिन अविकार मार्ग आपको मार्केट में नहीं, आपको जिनालय में मिलेगा, आपको प्रभु के दरबार में मिलेगा, आपको शास्त्र की गोद में मिलेगा, माँ की गोद में विकार मार्ग मिलता है, पिता की गोद में विकार मार्ग मिलता है, संसार मार्ग मिलता है। विकार मार्ग से तात्पर्य संसार मार्ग से, और जिन बाड़ी माँ की गोद में अविकार मार्ग मिलता है, गुरु की शरण में अविकार मार्ग मिलता है और प्रभु की शरण में अविकार मार्ग मिलता है, प्राप्त करो जो चाहिए हो। जल चाहिए है, जल चाहिए, चलो कुएं के पास। भोजन चाहिए है, चलो माँ के पास। विकार चाहिए है, संसार को देखो। अविकार चाहिए है, संसार की ओर पीठ कर लो, बस अविकार मार्ग मिल जाएगा। देखो देखो, शरीर में रोग का होना विकार है। देखिए ये देह तीन पर टिकी है, बात पित्त कफ। बात पित्त कफ यदि ये कुपित तो होते हैं तो शरीर में नया विकार जन्म हो जाता है। यदि अविकार मार्ग में तीन कुपित होते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र, तो समझिए अविकार मार्ग से आप दूर हो जाते हैं। यदि इस शरीर में ये तीन नाड़ी हैं, बात पित्त कफ, कोई भी कुपित हो जाए, बात कुपित होगा तो जोड़ों में दर्द हो जाएगा, पित्त बढ़ेगा तो गर्मी सताएगी, वॉमिट होगी, जी मचलाएगा। बात पित्त कफ हो जाएगा तो आपके लिए गले में खराश हो जाएगी, आपको नजला हो जाएगा ना। यदि ये तीन कुपित होते हैं तो ये शरीर परेशान करने लगता है और हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है। इसी तरह आचार्य भगवान कहते हैं, यदि तुम्हारे अंदर का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यदि कुपित होने लगे, भ्रमित होने लगे, तो आप डॉक्टर के पास आ जाइए, आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के पास, वह तुम्हें ठीक कर देंगे। आ जाओ, ठीक कर देंगे, क्योंकि यह काप नंबर है 23, और ये 23 नंबर काप कह रहा है भूत पिशाच बाधा व्यंतर, इन सब की यदि आपके ऊपर कोई भी कोप है, कोई भी बाधा है, यदि तुम सम्यक दर्शन के साथ श्रद्धा करते हो, सम्यक ज्ञान पर तुम्हारा श्रद्धान है, सम्यक चारित्र पर तुम्हारा श्रद्धान है, ये तीन रत्नों पर श्रद्धान है, तो यह भक्तामर स्त्रोत में वह सामर्थ्य है कि वह व्यंतर को दूर कर देगा। नहीं हो विश्वास तो करके देख लेना, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है, कोई कुछ भी करे, मात्र तुम इस 23 नंबर का पका अपने जीवन में प्रतिदिन कंटिन्यू पाठ करके 4000 बार इस काव्य का पाठ कर लो। सिर्फ 23 नंबर काव्य का पाठ तुम सिर्फ 4000 बार कर लो, सिर्फ। ना कोई वस्त्र का कलर चाहिए, ना कुछ चाहिए, मात्र तुम सिर्फ 4000 बार इस 23 नंबर काव्य का
पाठ कर लो, इसकी रिद्धि का जाप कर लो और इसकी मंत्र को जप लो सिर्फ 4000 बार। इसके बाद दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि वह आपके लिए कुछ भी कर पाए। देखो बहुत इच्छी है, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, एक ही कहानी रट लगा रखी है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन भक्तामर जी का पाठ करते हो, 48 काव्य पढ़ते हो। 48 ना पढ़े जाएं, एक ही काव्य को यदि 48 बार पढ़ लिया जाए तो 48 बार तो होगा। दूसरे दिन पुनः 48 बार पढ़ लिया जाए रिद्धि मंत्र से, तो प्लस प्लस करके ऐसा करके हम कर सकते कि नहीं, कर सकते कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो आप कहते हैं कि प्रतिदिन भक्तामर स्त्रोत के एक काव्य को 48 बार पढ़ो, पर दूसरे काव्य को दूसरे दिन 48 बार पढ़ो। ऐसा ऐसा करके नियम कर लो कि 10 दिन तक एक ही काव्य पढ़ेंगे, 20 दिन तक एक ही काव्य पढ़ेंगे, तो कम से कम आपके पास वो है पॉजिटिव एनर्जी, वो हीलिंग देने की सामर्थ्य तुम्हारे पास पैदा होगी। आप करते तो हो ही, पर आप क्या करते हो, संपूर्ण भक्तामर जी को करते हो। यदि आप एक को करोगे 10 दिन तक एक को ही करेंगे, फिर उसके बाद 10 दिन दूसरी काव्य को करेंगे, इस पद्धति से करेंगे तो अवश्य हो जाएगा, क्योंकि आपके पास समय का बहुत अभाव है, इसलिए आप अधिक कर नहीं सकते हो। तो अभिकार मार्ग में प्रवेश करने के लिए मात्र यही विचार करना, ये 23 नंबर काव्य है, मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, मैं करके रहूंगा, मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रण है, मैं एक ना एक दिन मृत्यु को जीत करके रहूंगी, मेरा संकल्प है। तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे तो कैसे जीतोगे। मैं प्रतिदिन भक्तामर स्त्रोत के 23 नंबर काव्य को पढ़ेंगे और पढ़ पढ़ करके प्रभु की उपासना करेंगे। उपासक उपासना करता है, उपवास करने से उपासना हो या ना हो, भाव उपासक के अच्छे होंगे तो नियम से उपासना हो जाएगी, और उपासना होगी तो कार्य होगा। अच्छा एक बात बता दो, सही सही बताना, बीमार हो, बीमार हो कि नहीं हो? हो, कोई बीमारी नहीं है। रश्मि जी कह रही मुझे बीमारी नहीं है, और हमारे मनोज जी और जमुना प्रसाद जी कह रहे मुझे बीमारी है। दोनों चीज समझना, निश्चय को समझना, व्यवहार को समझना। रश्मि जी कह रही कथन किसका सत्य है? रश्मि जी का कथन सत्य है, मुझे बीमारी नहीं है। उन्होंने देह को दिख करके कहा है कि मैं निरोगी हूँ, और इन्होंने अपनी देह ही को दिख करके कहा है कि मुझे बीमारी है। कथन दोनों सत्य हैं, पर व्यवहार की बीमारी को दूर करने के लिए और व्यवहार में बीमारी को आमंत्रण करने के लिए कोई दूसरा नहीं होता है, हम ही होते हैं। बीमारी आती नहीं है, बीमारी को बुलाया जाता है। जैसे प्रभु बिना बुलाए आपके ठोने पर आते नहीं हैं, और हम श्री सरस्वती को बिना बुलाए अपने कंठ में बुला नहीं सकती है, तो मुझे पहले बुलाना पड़ता है, आगच्छा आगच्छा आगच्छा, जब भेजना पड़ता है तो कहना पड़ता है गच्छ गच्छ गच्छ, जाओ जाओ जाओ। तो ऐसे ही मुझे बीमारी है नहीं है, बुलाई मैंने कैसे? देखो अभी आप पूर्ण स्वस्थ हो, आप चाहते हो बीमारी को बुलाना,
मात्र आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के अंदर आपके पास बीमारी होगी, और आपके पास 10 मिनट लगेंगे कि आपकी देह की बीमारी दूर हो जाएगी। कॉम्पिटेंस से कहते हैं, ले लो एक जपमाला और बोलने लगो, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है। मात्र 108 बार एक माला ले लो और बोलने लगो, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, आ जाएगा। सत्य कह रहे, सत्य है, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये काप, ये जो यंत्र है, ये सिर के रोग का निवारण करता है। 30वें काव्य में जो है वो यह है कि सिर की पीड़ा को दूर करने वाला है, हमारे लिए और आपके लिए एक सिर दर्द बना हुआ है। कोई भी सिर दर्द हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो आचार्य भवन कहते हैं, जब कहने से बीमारी आ जा सकती है, तो यदि ये कहा जाए बीमारी को भेजना है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, 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 तो क्या तुम स्वस्थ नहीं हो गए? जब कहा जाए कि मैं अस्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो हमारी मानसिक परिणति बीमारी जैसी हो जाती है, और हम फील करते हैं कि मैं सच में बीमार हूँ, मुझे सच में हेडेक हो रहा है। इसी तरह कभी भी निगेटिव थॉट किसी को नहीं देना चाहिए। पॉजिटिव भरना है तो पॉजिटिव एनर्जी से भरो। जल पिलाना है तो मीठा पिलाओ। खारा क्यों पिलाते हो? खारा जल पिलाओगे तो प्यास नहीं बुझेगी। आपने चाहा तो था कि प्यास बुझ जाए, लेकिन उसमें लवण की मात्रा अधिक होने से वो प्यास बढ़ गई, और प्यास बढ़ गई तो और भी वेदना होने लगी। इसलिए पिलाना है तो आप अमृत जैसा मधुर जल पिलाइए, आपकी प्यास समन होगी। इसलिए आज से कुछ भी हो जाए, किसी को कुछ भी हो, कोई कितना भी बीमार हो, ओहो इतना कष्ट होता है, वाह, अरे कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता नरकों की वेदना को देखो, ये तो एका तिल मात्र भी नहीं है, तुम बिल्कुल मत घबराओ। मैं अभी यहाँ बैठ करके भक्त अम्बरीश स्त्रोत का पाठ करता हूँ।